नमस्ते। अभी आज हम हैं यहाँ पे जैसलमेर जिले के एक उन्नत जैविक किसान ओम प्रकाश जी केवलिया के खेत में हम खड़े हुए हैं अभी। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जैव विविधता को जो है खेत के अंदर संजोकर रखा है। और विशेषकर अधिकतर हम लोग क्या खेत की जो बाड़ होती है उसको हम छोड़ दिया करते हैं, वहाँ पे हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो इन्होंने उसको बहुत बेहतर तरीके से जैव विविधता को संजोकर रखने के हिसाब से डेवलप करा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की घासें इन्होंने लगा कर रखी हैं, जिसमें सेवन है, धामण है, आपके मुरट है, और चग है, सनिया है, बुई है, जो स्थानीय मरुस्थल की जो प्रजातियां हैं वो सब यहाँ पे लगी हुई हैं। उनके बीच बीच में आपको जो है मोथा और ग्रामणी है, और आपको कुछ भूरट भी नज़र आएगा। हालांकि भूरट उपयोगी नहीं है, परंतु जैव विविधता के अंदर एक बहुत उपयोगी घास के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे काली बुई भी है, जो कि अब स्थानीय लोगों के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से जो है आप ये समझ सकते हैं कि भी आपने खेत के अंदर खरपतवार को लगा लिया है। लेकिन ये खरपतवार जो है बहुत ज़रूरी है जब आप जैविक खेती कर रहे हैं तो। और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे तितलियां जो है निर्भर रहते हैं। कई जो कीट हैं वो इन्हीं घासों के ऊपर जो है उनका प्रजनन होता है, और वो उनके लार्वा जो है वो इसी पे पोषित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है चिड़ियाओं की भी बाहुलता रहती है, और वो इन कीटों को खाने आती है। तो जो हमारे खेत की जो जैव विविधता है, उसका जो वातावरण है, वो हम इस प्रकार से जो है नियंत्रित कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे संरक्षण दे रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ वृक्ष भी लगा कर रखे हैं, और जो कि अब धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से बढ़ भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया, आगे चलकर एक छोटा सा जो है अपने आप में एक पर्यावरण बनेगा, जो कि बहुत इनके खेत को नहीं, आसपास के खेत वालों को भी ये जैव विविधता के लिए फ़ायदा देगा, और जो है बहुउपयोगी सिद्ध होगा।